दीवानी गेट के बाहर शुक्रवार को हुई युवक की हत्या के बाद सोमवार को सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे के साथ दीवानी न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया तथा ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी चेक किया। इस दौरान उन्होंने न्यायालय परिसर में आने वाले वादकारियों की भी चेकिंग की, जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि न्यायालय में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। ट्रायल बेस पर बैरियर भी लगाए गए हैं तथा अलग अलग गेटों पर अलग अलग फोर्स लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी वकीलों से सुझाव लिया गया है कि किस बेहतर तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि डॉग स्क्वाड के साथ आज LIU तथा कई थानों की टीम के साथ रूटीन चेकिंग किया गया है तथा न्यायालय की सुरक्षा को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद फोर्स की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे एवं SP सिटी सोनम कुमार ने कहा, भैया आप लोग बाहर हो जाइए, हम लोग नहीं जा पाएंगे। आप लोग बाहर के लिए बाहर आप लोग गेट के बाहर आइए। यहाँ से आप लोग बैठ जाइए, आप गेट के बाहर जब तक यहाँ बैठे हैं आप लोग प्रवेश नहीं कर सकते। चलिए वकील साहब से बता दीजिए बाहर yeah।
अरे ये अपन कई साल पहले से नियम जब बनता है तो हमें भी मिलना चाहिए। कह दिया गया जब आप लोगों को सरकार ने दे दिया वेडिंग करने के लिए तो आ जा करके अपना काम करो। सफाई में उसके बाद भाई कुछ आप लोग लग जाओ, कुछ वो लोग करवा देंगे, हो जाएगी सफाई वगैरह। लोग शर्मा हटाए थे, लेकिन उसके बाद अरे यही रहेगा गाड़ी खराब करने के लिए। ये न्यायालय की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, इसमें अतिरिक्त फोर्स और अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं चेकिंग के। आज ये रूटीन चेकिंग थी, डॉग स्क्वाड और एएस चेकिंग टीम थी हमारे साथ, एलआईयू की टीम थी और कई थानों की फोर्स लेकर जो रूटीन चेकिंग होती है हर महीने, ये रूटीन चेकिंग कराई जा रही है मेरे द्वारा और साथ में हमारे सीओ एलआईयू साहब भी हैं, उनकी टीम पूरी है। ये न्यायालय के अंदर बाहर पार्किंग, गाड़ी में कहीं कोई कुछ ना हो, ये सारी चेकिंग कराई गई है और अभी कराई भी जा रही है। फोर्स अभी जो बढ़ाई गई है कम से कम 15 की संख्या में अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। डीएफएमडी अलग से भी लगाई गई है और एसएसएमडी भी अलग से लगाई गई है। पर्याप्त मात्रा में सभी गेटों पर फोर्स लगा दी गई है। निर्धारित कर दिया गया है कि 2 गेट से केवल बातकारी आएंगे, अधिवक्ताओं का प्रवेश समस्त गेटों से रहेगा। जरूरत पर अधिवक्ता अपना आइडेंटिटी कार्ड प्रस्तुत करेंगे, किसी भी अधिवक्ता का कोई आपत्ति नहीं है। प्रशासन को उनको कहा गया है कि आप पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाइए, तो कहें कि पहले 50 की संख्या में यहाँ लोग लगे हुए थे, तब उसकी डबल 100 के आसपास संख्या लगेगी। और बाहर जहाँ यहाँ स्टैंड वगैरह है या सारे क्षेत्र को अधिवक्ताओं की गाड़ी खड़ा करने के लिए प्रशासन ने मुहैया कराया है। बातकारी की चेकिंग होगी, अधिवक्ता का कार्ड देख करके अंदर किया जाएगा। न्यायालय कार्ड भी जारी कर रहा है? नहीं, न्यायालय का नहीं, अधिवक्ता का कार्ड बार एसोसिएशन और बार काउंसिल जारी करते हैं। किया गया है और सुरक्षा बढ़ाई हुई है, सर कितनी फोर्स लगाई है? देखिए न्यायालय में जो है उसकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है, इसमें एडीजी महोदय, डिस्ट्रिक्ट जज सर, डीएम सर, एसएसपी सर, सब लोग ने भ्रमण किया था। उसी के हिसाब से आज एक ट्रायल बेसिस पे बैरियर वगैरह लगाए गए हैं, डीएफएमडी लगाई गई है और अलग अलग गेट पे अलग अलग फोर्स लगाई, उन्हें ब्रीफ किया गया है और आगे भी इस जो भी वकील लोग हैं उनसे हम लोग सुझाव ले रहे हैं कि क्या बेहतर तरीके से हम लोग इसमें सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।